हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आजकल चल रही हैं शादियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से, और शाम का टाइम है, रिफ्रेशमेंट बन रही है। तो हमारी किचन में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। वैसे तो थंबनेल टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं पॉकेट चीज़ी पराठा, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ईजी मेकिंग है। यहाँ पर हमारी बन रही है चाय, और यहाँ पर मम्मी बस तैयारी कर चुकी हैं सारी की सारी। तो यहाँ पर ये देखो, ये थोड़ी परोठन है जो हमने ली हुई है। आटा हमने ऑलरेडी माड़ा हुआ है, तो आपको अगर जानना है कि आटा कैसे मड़ता है तो वो वीडियो भी पहले से पड़ी है, आप जाके देख सकते हो, शॉर्ट्स में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे थोड़ी सी लोई, मैं सोच रही हूँ दो लोई बना के अलग अलग बना के बना दूँ, मतलब पॉकेट नहीं बना, पॉकेट क्यों नहीं, पॉकेट बना, पॉकेट पराठा बनाएंगे ना, ठीक है, पॉकेट पराठा बनाएंगे। फट गया इधर उधर तो क्यों फटेगा, तो एक पॉकेट बना लेते हैं, हाँ एक पॉकेट एक वैसा, ठीक है। तो एक पॉकेट पराठा बना रहे हैं और वैसा दूसरा वाला बनाएंगे, इसमें थोड़ा बनाएंगे मिर्ची वाला पेस्ट, ठीक है। देख लो भाई, ज्यादा मत लगाओ ये, फिर ये भी गिरेगा, चिपक गया, ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा ना मम्मा। नहीं 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 अच्छा, तो कम में भी बाहर निकल गया, नहीं निकले, बस बस अब बेल कर रही हो पॉकेट पर, नहीं नहीं थोड़ा सा मोटा रहेगा आटा, कच्चा रहेगा सिक नहीं पाए, उसने चारों साइड से सेका था, किसी की नकल नहीं करता, बस करो सीना मोटा रहेगा पराठा। अरे नहीं, वो भी वो पॉकेट पराठा बनेगा, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगेगा खाने में, देख रही हूँ इतना मोटा सिकेगा नहीं है, कच्चा रहेगा अंदर, बस करो। आपने पूरा तो उसे पराठा ही जैसे बना दिया था। सो भाई, यहाँ से मेरी और मम्मा की हो गई थी लड़ाई शुरू, क्योंकि हमने ये पॉकेट पराठा एक वीडियो में देखा था और वहीं से देख के हमें आइडिया आया था कि हम पॉकेट पराठा बनाएंगे। लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी ने
ये सोचा कि ये पॉकेट पराठा तो कच्चा रह जाएगा और फिर पेट में दर्द हो जाएगा, इसीलिए वो अपनी ही कलाकारी झाड़ रही थी और उन्होंने पॉकेट पराठा नहीं चीज़ पराठा बनाया और इसे बिल्कुल भी पॉकेट की तरह नहीं रखा। लेकिन मैंने उन्हें ये बोला कि भाई किचन नहीं रहेगा जैसे हमने देखा, उस तरीके से बनाओ, उसे चारों तरफ से सेको तो वो वैसे ही बन जाएगा जैसे हमने वीडियो में देखा है। फाइनली जाके मम्मी ने मेरी बात एग्री करी और इसके बाद हमने चालू किया था अपना पॉकेट पराठा बनाना। लेकिन ये वाला पराठा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था जो मम्मी ने बनाया था चीज़ वाला, तो आप वीडियो में बने रहो और आगे देखते रहो कि इसे बनाने के बाद मेरे कहने पर मेरी मम्मी ने बनाया था चीज़ पॉकेट पराठा भी। तो यहाँ से चालू हो जाता है हमारा पॉकेट पराठा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँगी कि जितना आप इस मतलब जो आटा का बेस है जो ये हम लोई मार रहे हैं, जिससे जितना आप इसे पतला बेलोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ये फोल्ड होता है बाद में तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है क्योंकि आटा है, और अगर वो कच्चा रह गया तो आपको खाने में थोड़ा किरकिरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मम्मी ने इसे थोड़ा और पतला कर सकते थे हम लोग, पर शायद ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था, हमारा फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। बट हमने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि हम इसे सक्सेसफुली बना पाए। इसको अच्छे से मम्मी ने बेला और उसके बाद इसको सेका चारों तरफ से, तो ये बना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, खाने में तो इतना ज़्यादा स्वाद लग रहा था। इसके ऊपर हमने चटनी जो हमने बनाई थी मिर्ची और लहसुन वाली, वो ऐड करी थी और ऐड करा था ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स, आप ऐड कर सकते हो। आपको अगर थोड़ी ज़्यादा मिर्ची या नमक और ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये खाने के अंदर। और इसको हम पूरी तरफ से चारों तरफ से सेक लेंगे तो ये कच्चा भी नहीं रह जाता। हाँ, अगर इसकी लोई थोड़ी और जितनी पतली बनाओगे उतना ही अच्छा पराठा आपका बनेगा। तो जब बेल रहे हो तो मेक श्योर कि जितना बड़ा बेल पाओ, जितना अच्छा लंबा बेल पाओ उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और ये खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं आपसे बस ये कहूँगी कि ये देखो क्या चीज़ मस्त इसमें से बाहर निकल रही है। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना ताकि अगली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। Let me.